Hello students, now we will discuss about the nomenclature of coordination compound. This is an important part of your coordination compound. So, this is 4 mark na 5 mark MCQ sure asibo. Nomenclature of coordination compound. So, what a coordination compound ro na kemdi likhi IPAC name am kemdi likhiba. So, tomar coordination compound ro ba complex compound ro already gota kon common name achi. तो तार कमी आईपैक नेम कैलकुलेट करिया जमी तो ऑर्गेनिक रे पढ़ु ऑर्गेनिक कंपाउंड जति तार कॉमन नेम गोटे अच्छी तार गोटे कौन आईपैक नेम अच्छी तो सही भाया जो तुम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रो कॉमन नेम अच्छी तो सही कौन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आम आईपैक नेम केमी लिखा तो तुम आईपैक नेम आम लिखापी कौन कतटा रूल अच्छी तो से फास्ट कौन कर रूलटा पढ़ी सारापर आम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आईपैक नेम लिखा तो फास्ट सब रूल गुड़ाक मन रख फास्ट सब रूल गुड़ाक मन रखार अच्छे तो फास्ट देख अकॉर्डिंग टू आईपैक सिस्टम तो तुम कौन अकॉर्डिंग टू आईपैक सिस्टम आईपैक मान कौन आसला आईयूपीएससी कौन आसला आईपैक तो यार फुल फॉर्म कौन हम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री क्लियर तो अकॉर्डिंग टू कौन गोटे कमिटी टाइप रहा गोटे कमिटी टाइप तो यही कमिटी अनुसार ये कौन कले किटा रूल बाहर करते आईपैक सिस्टम तो यही सिस्टम को देखिकी आम कौन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रो आईपैक नेम लिख पारिबा क्लियर तो फास्ट लिख कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर नेम्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द सिस्टम सेटअप अकॉर्डिंग टू द सिस्टम सेटअप बाय इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर कमिटी of the IUPAC तो साइड फुल फॉर्म लिखिबो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री तो ये सिस्टम टाक फॉलो करी कौन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नेम आईपैक नेम लिखिपर क्लियर देन सेकंड पॉइंट लिख अकॉर्डिंग टू आईपीएससी सिस्टम अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी सिस्टम कमा द फॉलोइंग रूल्स आर टू बी फॉलोड द फॉलोइंग रूल्स आर टू बी फॉलोड फॉर नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स फास्ट रूल आसला कौन ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ आयन्स एक नंबर आसला कौन ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ आयन्स तो पांचटा ना छा रूल अच्छी तो पांचटा रूल पढ़ी सारापर आम यही रूल गुड़ाक यूज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आईपैक नेम कैलकुलेट लिखिपर क्लियर तो फास्ट देख ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ आयन्स तो आम जानती कौन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन दुई प्रकार अच्छी गोटे कौन आयोनिक कॉम्प्लेक्स आ गए कौन न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स तो आयोनिक कॉम्प्लेक्स तुम जाओ कैटायनिक कॉम्प्लेक्स एनायोनिक कॉम्प्लेक्स तो से जो तुम गोटे आयोनिक कॉम्प्लेक्स अच्छी जो तुम गोटे आयोनिक कॉम्प्लेक्स अच्छी तो सही केस रे तो तुम काटायन टा फास्ट लिखिबो तापर आनायन लिखिबो जदि गोटे आयोनिक कॉम्प्लेक्स अच्छी जदि गोटे फॉर एग्जांपल देखो K3 Fe6 दिस इज ए आयोनिक कॉम्प्लेक्स पोटासियम के प्लस आयन दिस इज योर एफिशिएंसी 3 माइनस आयन के प्लस एफिशिएंसी 3 माइनस अरे के पोटासियम कौन प्लस यार कहते 3 माइनस क्लियर तो काटायनिक कॉम्प्लेक्स दिस काटायन दिस इज योर अनायन क्लियर
तो सी कहते हैं जो नेमिंग करवा यार जो नाँ मुझे लिखापी जी तो फास्ट कारना लिखी फास्ट काटायन टा लिखी ना आनायन टा लिखी तो अकॉर्डिंग टू आईबीएससी सिस्टम तो कौन कह गोटे आयोनिक कम्प्लेक्स काटायन टा फास्ट लिखी तापर आनायन टा लिखी तो काटायन टी अच्छी पोटासीयम तो फास्ट लिखी कौन पोटासीयम फास्ट लिखी कौन पोटासीयम आईटा लिखे आनायनिक कम्प्लेक्स टा फास्ट लिखे फास्ट कौन काटायन कौन तो पोटासीयम तापर देख आनायनिक कम्प्लेक्स लिखी तो आनायनिक कम्प्लेक्स लिखले कौन आसो हेक्सासियानो पोटासीयम हेक्सासियानो फेरेट हेक्सासियानो फेरेट तीन आस तुम युवा पर बढ़िया युवा केमी हेक्सासियानो फेरेट है या पर रूल युवा अच्छे तो खाली कम्प्लेक्स रानापी काटायन आनायन जानापी एटा लिखले एवं चिंता करना ना कमी हेक्सासियानो फेरेट है तो पर या पर जो रूल गुड़ाक आसो से रूल अनुसार हेक्सासियानो फेरेट है क्लियर तो एबे खाली यही रूल जानजे गोटे आयोनिक कम्प्लेक्स काटायन टा फास्ट लिख आनायन टा सेकंड लिख ए जिन आ गोटे एक्जामपल मन कर नी एन आई एन एस थ्री होल सिक्स एन आई एन एस थ्री होल सिक्स देन सी एल टू तो देख क्लोराइड आयन सी एल माइनस यार चार के माइनस वन अच्छी तो यहाँ कौन आसो एटा माइनस वन कौन प्लस आसो तो टू प्लस आसो एक कौन काटायनिक कम्प्लेक्स दिस इज योर आनायन क्लियर तो क्लोराइड तुम कौन माइनस सी एल माइनस तो सेमती कम्प्लेक्स चार्ज कौन टू प्लस है सी एल दुईटा अच्छी तो ये आसे कौन हम सी एल यार कौन टू प्लस क्लियर तो ये काटायनिक कम्प्लेक्स कौटा दिस इज योर काटायनिक कम्प्लेक्स दिस इज योर आनायन तो सी कौन कह आयोनिक कम्प्लेक्स काटायन टा फास्ट लिखे आनायन टा लिखे तो काटायनिक कम्प्लेक्स काटायन टा फास्ट लिखा तो अब बुझे ये टोटाल हूँ काटायन ये टोटाल काटायन तो लिखे कौन हेक्सामिन निकेल हेक्सामिन निकेल एन आई निकेल टू तापर कौन यार काम सरीगला हेक्सामिन निकेल काटायन काम सरला एवं कौन आनायन आड़ बुझी तो आनायन किए अच्छी सीएल तो लिखी कौन क्लोराइड क्लोराइड एतिक जिनस फास्ट रूल कौन कहूँ जदि गोटे आयोनिक कम्प्लेक्स अच्छी काटायन टा फास्ट लिखे आनायन ये देख काटायन फास्ट तो ये कम्प्लेक्स ना फास्ट लिखली आनायन ना क्लियर तो लेख फास्ट लेख इन फास्ट वर्ड लेख इन आयोनिक कम्प्लेक्स कमा इन आयोनिक कम्प्लेक्स कमा द काटायन इज नेम्ड फास्ट इन आयोनिक कम्प्लेक्स द काटायन इज नेम्ड फास्ट एंड द आनायन एंड सॉरी द काटायन इज नेम्ड फास्ट एंड देन द आनायन द काटायन इज नेम्ड फास्ट एंड देन द आनायन माने काटायन पर आनायन लिखा देन द आनायन तार फॉर एग्जांपल लिख फॉर एग्जांपल एटा लिख क्लियर तो यहाँ गला कौन आयोनिक कम्प्लेक्स यहाँ पड़ो काटायन फास्ट तापर आनायन क्लियर तापर देख जदि गोटे तुम नॉन आयोनिक कम्प्लेक्स तुम गोटे न्यूट्रल कम्प्लेक्स अच्छी जदि तुम गोटे न्यूट्रल कम्प्लेक्स अच्छी नॉन आयोनिक जो कम्प्लेक्स आयोन न्यूट्रल कम्प्लेक्स अच्छी से ही केस केमी ना लिखा तो फॉर एग्जांपल गोटे तुम न्यूट्रल कम्प्लेक्स अच्छी सी एग्जांपल दुटा गला कौन काटा आयोनिक कम्प्लेक्स देख नॉन आयोनिक कम्प्लेक्स सीओ एन एच थ्री होल थ्री सी एल थ्री दिस इज ए न्यूट्रल कम्प्लेक्स दिस इज ए न्यूट्रल कम्प्लेक्स यार चार्ज के जीरो दिस इज ए न्यूट्रल कम्प्लेक्स कौन नॉन आयोनिक कम्प्लेक्स एट तुम कौन काटायन आनायन ना तो ये केस कौन कर डायरेक्ट तुम कौन यार नाँ टोटाल लिखा एट काटायन आनायन ना तो ये केस कौन डायरेक्ट या नाँटा ओवरअल लिखा तो मन रखे जदि आयोनिक कम्प्लेक्स अच्छी काटायन फास्ट तापर आनायन जदि नॉन आयोनिक कम्प्लेक्स अच्छी मैंने यहीटा कौन लिखे काटायन आनायन किसी मेनसन करना ना तो कौन लिख क्लीअर तो यहाँ कौन यहाँ टोटाल लिखीदेव त
तक लिख तीन टा आमोनिया अच्छी एटा पर जानव कौन लिखा ट्राई आमीन ट्राइक्लोरो कोबाल्ट ट्राइक्लोरो कोबाल्ट थ्री क्लियर तो ये केस रे काटायन आनन किसी ना तो आम कौन काटायन आनन चूज कर खाली मन रखे आयोनिक कम्प्लेक्स थी काटायन फास्ट आनायन सेकेंड एटा फास्ट रूल ये जान लो एक नंबर रूल कौन जान लो जदि आयोनिक कम्प्लेक्स अच्छी काटायन फास्ट तापर आनायन आ नन आयोनिक कम्प्लेक्स काटायन आनायन ना तो यहाँ डायरेक्ट यार ना लिख क्लियर देन सेकेंड रूल देख सेकेंड रूल नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर सेकेंड रूल आसला नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर सेकेंड आसला नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर सेकेंड रूल तो यही केस गोटे एग्जांपल देख सी आर क्लियर कम्प्लेक्स अच्छी तो यही केस कौन करवा कोऑर्डिनेशन स्फीयर भितर जो गुड़ाक अच्छी कोऑर्डिनेशन स्फीयर भितर जहाँ भी जिनस अच्छी से गुड़ा केमी लिख ऑर्डर में लिख क्लियर तो यही केस फास्ट कौन लिगांड यही केस कौन लिगांड तो फास्ट चूज कल कौन काटायन आनयन कौन क्लियर ये तुम मन काटायन आस मन आसा सी एल थ्री थी ना तो काटायन फास्ट चूज कल तो काटायन रख आनयन जीव क्लियर तो यही केस देख कौन कर लिगांड अच्छी तुम किए आमोनिया सेंट्रल मेटल आटम किए क्रोमियम क्लियर तो फास्ट लिख ऑर्डर टा केमी आसो केतटा लिगांड अच्छी केतटा लिगांड अच्छी केतटा हाउ मेनी नंबर ऑफ लिगांड तो छटा लिगांड अच्छी तो लिख कौन हेक्सा तापर लिगांड रेतटा लिगांड गला तुम कौन आसो ता ना कौन लिगांड ना नेम ऑफ द लिगांड तो दिस इज योर आमोनिया तो आमोनिया रो ना हो जी कौन आमीन आमोनिया रो आमीन पर आम पढ़ा कौन भाई आमीन हेक्सा आमीन आसो तापर आसो तुम कौन सेंट्रल मेटल आटम रो ना तापर आसो सेंट्रल मेटल आटम तापर आसो कौन क्रोमियम तो ये कौन कहला नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर ता माने कोऑर्डिनेशन स्फीयर भितर जो जिनस गुड़ाक अच्छी तार ऑर्डर टा केमती रहइब तार ऑर्डर टा एमती रहइब तुम्हारे फास्ट देखियो सेंट्रल मेटल फास्ट लिखन फास्ट से रूल कह केतटा लिगांड अच्छी केतटा लिगांड अच्छी तो पांचटा लिगांड थी पेन्टा लिख चार्टा लिगांड थी ट्राई चेटा लिख दुईटा थी डाई लिख क्लियर तो सही भाया केतटा लिगांड फास्ट लिगांड नंबर नंबर ऑफ लिगांड तापर आसला लिगांड ना लिगांड ना कौन क्लियर तापर आसो कौन सेंट्रल मेटल आयन एति क्लियर तो यहाँ लिख ये पॉइंटा फास्ट पॉइंट ये लिख द नंबर एंड names of ligand the number and names of ligand the number and names of ligand the number and names of ligand are written fast to kon kala code fast likhibo the number and name of ligand fast likhibo the number and name of ligand fast likhibo fast followed by द न फलोड बाय द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आटम फलोड बाय द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन फलोड बाय द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन फास्ट नंबर ऑफ लिगांड तापरे नेम ऑफ लिगांड तापरे सेंट्रल मेटल आयन रो ना एति तापरे देखो ये पड़ेगा यार काम सरला तापरे आम कौन करिया क्रोमियम रो ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम रो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करिया तो तापर कौन कर क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट केमती कैलकुलेट कर तो जो रूल कही दिली से रूल अनुसार क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर क्लियर तो ये कैसे क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट के आस प्लस थ्री तो तुम कौन कर क्रोमियम साइड रे प्लस तीन एमती लिखन तो यहाँ तुम कौन रोमान न्यूमेरिकल्स अनुसार लिख कौन रोमान न्यूमेरिकल्स तो तीन अच्छी मान एक अच्छी मान कौन एक अच्छी मान आई लिख दुई अच्छी मान डबल आई लिख तीन अच्छी मान ट्रिपल आई ए टाइप लिख चार अच्छी मान आई भी
बुझला बुझलानी तो ए टाइप रा लिखिबो क्लियर आउट है प्लस थी लिखिबो तो प्लस थी जगह कोन लिखिबो ट्रिपल आई जतले सेंट्रल मेटल आयन रो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करिवो तो तमर सेंट्रल मेटल आयन रो ना पर पर लिखिबो सेंट्रल मेटल आयन रो पर पर ऑक्सीडेशन स्टेट बा ऑक्सीडेशन नंबर दा लिखिबो विद इन द स्क्वायर विद इन द ब्रैकेट क्लियर तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर भितर कौन कौन तापर को ऑर्डर रहुजी लिखाला फास्ट नंबर ऑफ लिगांड तापर नेम ऑफ लिगांड तापर सेंट्रल मेटल आयन तापर तमर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन तो ऑक्सीडेशन स्टेट बा ऑक्सीडेशन नंबर रा को नंबर लिखियो तमर रोमन न्यूमेरिकल से अनुसार लिखियो आई डबल आई ट्रिपल आई आई ए वाइज लिखियो क्लियर तो लिख सेकंड पॉइंट लिख सेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन बा सेंट्रल मेटल एटम इज एक्सप्रेस्ड बाय रोमन न्यूमेरिकल्स इज एक्सप्रेस्ड बाय रोमन न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल्स इज एक्सप्रेस्ड बाय रोमन न्यूमेरिकल्स ता साइड लिखियो आई कमा डबल आई ट्रिपल आई आई भी एमदी कमा देखि लिखियो रोमन न्यूमेरिकल्स लिखिगी आई डबल आई ट्रिपल आई आई भी एमदी लिखियो क्लियर तापर देखो एडा लिख सला आई भी लिख सला तब लिखो ईटीसी ईटीसी एवळा तमर चालियो कंटीन्यूअस ईटीसी रिटेन जस्ट आफ्टर द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम रिटेन जस्ट आफ्टर द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम सेंट्रल मेटल एटम रो परे परे ए न्यूमेरिकल्स ऑर्डर दा लिखिबो जस्ट आफ्टर द नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम क्लियर फुल स्टॉप दियो तो लिख फॉर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट ए भले लिखियो जदि गोटे सेंट्रल मेटल एटम ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो आसुजे ता साइड रे मेंशन करिवो ता साइड रे केम मेंशन करिवो जीरो ए भले आ छाड़ देवने किछ जीरो बोली छाड़ देवने ले मेंशन करिवो जीरो क्लियर तो लिख फॉर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट ए भले इज रिटन क्लियर फॉर एग्जांपल ए कॉम्प्लेक्स टा लिखो CrNH3 होल 6 3 प्लस या नाटा लिखियो फास्ट नंबर ऑफ लिगांड नेम ऑफ लिगांड सेंट्रल मेटल एटम तापरे ऑक्सीडेशन स्टेट टा लिखियो कोन सेंट्रल मेटल एटम परे परे इन विथ रोमन न्यूमेरिकल्स जदि जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट अछुले ब्रैकेट भीतर जीरो लिखियो एतिक जिंस ए रूल रु सेकंड रूल रु एटा पाइलो क्लियर तापर थर्ड रूल देखो थर्ड रूल आसला नेमिंग ऑफ लिगांड्स इंपोर्टेंट एटा थर्ड रूल आसला कोन नेमिंग ऑफ लिगांड्स लिगांड ना केमदी लिखियो नेमिंग ऑफ लिगांड्स तो हेडिंग दियो नेमिंग ऑफ लिगांड्स तीन नंबर आसला कोन नेमिंग ऑफ लिगांड्स क्लियर तो तमार लिगांड तमार चार प्रकार अछि गोटा आसला कोन पॉजिटिव लिगांड नेगेटिव लिगांड न्यूट्रल लिगांड आ गोटा तमार कोन ऑर्गेनिक लिगांड लिगांड तमार चार प्रकार फर्स्ट आसला पॉजिटिव लिगांड नेगेटिव लिगांड न्यूट्रल लिगांड ऑर्गेनिक लिगांड क्लियर तो एई गुडा तमे डिटेल ले जानियो पॉजिटिव लिगांड नेगेटिव तमार जो लिगांड रे पॉजिटिव चार्ज थिबो पॉजिटिव लिगांड जो लिगांड रे नेगेटिव चार्ज थिबो नेगेटिव लिगांड जो लिगांड रे चार्ज नथिबो जीरो थिबो तो कोन न्यूट्रल लिगांड तो जो लिगांड तमार कोन ऑर्गेनिक बोलिया ऑर्गा मिथाइल इथाइल हो दे आर कॉल्ड ऑर्गेनिक लिगांड क्लियर तो फर्स्ट देख लिख फर्स्ट पॉइंट लिख या तो फर्स्ट पॉइंट लिख व्हेन द नेम ऑफ द लिगांड्स सॉरी व्हेन द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स
is written when the name of the complex is written, the ligands are written in alphabetical order. When the name of the complex is written, the ligands are named, ligands are written in alphabetical order. तो जोबले कोटे कम्प्लेक्स तीन चार प्रकार लिगाण अच्छी तो कौ लिगाणा फास्ट चूज कर कौ लिगाणा फास्ट चूज कर तो जो लिगाण मैंने कौन अल्फाबेटिकली फास्ट आसो से लिगाणा फास्ट लिख फॉर एग्जांपल देख तो लिख फॉर एग्जांपल PTCl NO2 NH3 O4 यहाँ गोटे कम्प्लेक्स अच्छी SO4 लिख PTCl NO2 NH3 O4 साइड लिख SO4 इज नेम्ड आज केमती लिखा तो फास्ट तुम फास्ट रूल मन पक फास्ट रूल कौन कहला गोटे आयोनिक कम्प्लेक्स काटा आयन अच्छे सल्फेट SO4 2- तैयार के आसो 2+ क्लियर ए सल्फेट रार के SO4 2- तैयार के आसो +2 तो ये भितर तुम काटायनिक कम्प्लेक्स कौटा यहाँ दिस योर काटायनिक कम्प्लेक्स दिस योर आनायन तो फास्ट रूल कौन थी काटायन टा फास्ट लिख आनायन लिख तो आम फास्ट कौटा लिखा ये काटायन टा फास्ट लिखा आनायन देख सल्फेट टा तुम लास्ट र तापर चूज करिया कौन जो आमोनिया अच्छी लिगांड नाइट्राइट अच्छी क्लोरीन अच्छी तीन टा लिगांड अच्छी तो आम फास्ट कौ लिगांडा को लिखा फास्ट कौ लिगांडा को लिखा तो यही रूल कौन कहला तुम अल्फाबेटिकल ऑर्डर हिसाब से लिख क्लियर तो आमोनिया आमोनिया यार ना हूँ कौन आमीन AMMINE आमीन यार लिगांड ना कौन आमीन तो से लिगांड ना कौन NO2 नाइट्रो नाइट्रो सीएल कौन आसो या ना कौन क्लोरो पर पढ़िया या पर अच्छी कौन पाए सीएल क्लोरो नाइट्रो आमीन क्लियर तो यही देव भितर तीन टा लिगांड भितर आम कौटा फास्ट चूज करवा तो तुम कह अल्फाबेटिकल ऑर्डर हिसाब से अल्फाबेटिकल ऑर्डर हिसाब से तो देख कौटा आस अल्फाबेटिकल ACN तो फास्ट आसो कौन आमीन तो लिख कौन आमीन AMMINE तो तुमको कही कौन जो गोटे लिगांड लिखुज तार नंबर फास्ट लिख केतटा लिगांड अच्छी तो आमीन के चार्टा तो मुझे लिखी कौन टेट्रा आमीन ए पर कौन आसो सी तो टेट्रा आमीन पर लिखी कौन क्लोरो सी पर कौन एन आसला लिखी कौन नाइट्रो बा नाइट्रिटो एन यार काम सरला लिगा नंबर ऑफ लिगांड लिगांड ना तापर ऑर्डर भी सरी देन सेंट्रल मेटल आटम की अच्छी प्लाटिनम जिते लिख सब गुड़ाक गोटे जमी रोटे वार्ड्रे क्लीअर मैंने ग्याप मझे दबानी वार्ड लिख ग्याप मझे दबानी पूरा लग सब क्लीअर तपर आसा कौन प्लाटिनम क्लीअर सेंट्रल मेटल आटम लिगांड काम आसा सेंट्रल मेटल आटम आसा तो प्लाटिनम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करी प्लाटिनम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करी तो प्लाटिनम एक्स क्लोरीन -1 -1 आमोनिया कौन दे 0 तापर कौन सल्फेट के -2 = 0 हाँ -2 -2 -4 x - 4 = 0 x = +4 तो प्लाटिनम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था +4 तो ये प्लाटिनम +4 लिखे प्लाटिनम कौन लिख रोमन न्यूमेरिकल अनुसार प्लाटिनम IV क्लियर तापर लिख कौन सल्फेट काटायन काम सरला आनायन का लास्ट लिख सल्फेट क्लियर एटा गला फास्ट बीट तापर सेकेंड बीट लिख नेम ऑफ पॉजिटिव लिगांड्स एंड इन IUM तो सी कौन कहला जो लिगांडा पॉजिटिव थी जिते पॉजिटिव लिगांड तार नार लास्ट कौन IUM मन ला जिते तुम पॉजिटिव लिगांड अच्छी तार ना लास्ट कौन IUM क्लियर
नहीं भूल दे दियो विद इन तापर देखो फॉर एग्जांपल तुम्हारा अच्छी कौन NO2 plus तापर असला NH2 NH3 plus तो दीज आर द पॉजिटिव लिगांड्स ए लिगांड गुडा कोन पॉजिटिव प्लस चार्ज अछि तो दीज आर द पॉजिटिव लिगांड तो सब लिगांड चार्ज केते +1 +1 +1 अछि तो यार नाम जते लिखबी तार नाम लास्ट लगेबी कोन IUM क्लियर तो NO2 माने कोन नाइट्रो तो यार नाम हो कोन नाइट्रोनियम तो लास्ट देखो पॉजिटिव लिगांड लास्ट IUM रहो जे नै तो सही वाला NO प्लस गोटे को मिला तो NO2 हला नाइट्रोनियम आ गोटे NO प्लस रहो कोन नाइट्रोसोनियम मझे खाली सो बसो नाइट्रोसोनियम लास्ट देखो IUM लागू जी क्लियर तापर आसला कोन NH2 NH3 प्लस तो तुम गोटे पढ़ दिव ऑर्गेनिक रे पढ़ दिव हाइड्रोजन पढ़ दिव NH2 NH2 हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन में गोटे H+ आयन मिसेली तो कौन आसो NH2 NH3 प्लस NH2 NH3 प्लस तो हाइड्रोजन थिला एच प्लस थिला तो एगेस कौन आसो हाइड्रोजनियम आयन जेमे तुम्हार NH3 थिला अमोनिया एच प्लस मिसला NH4 प्लस आसुला ता कौन कहते अमोनियम आयन तो सही भाया हाइड्रोजन रे एच प्लस मिसला ताना कौन हाइड्रोजनियम आयन तो साइड लिखियो कौन हाइड्रोजनियम आयन IUM देखो सफिक्स लागो जी सफिक्स कोन लागो जी हाइड्रोजन IUM देखो जत्ते सब पॉजिटिव लिगांड समस्त को लास्ट कोन लागो जी IUM रे एंड हो जी क्लियर तब थर्ड बिट लिखो नेम ऑफ नेगेटिव लिगांड्स एंड इन ओ जत्ते सब नेगेटिव लिगांड अछि तार ना रो लास्ट कोन लागिवो ओ जेमदि पॉजिटिव लिगांड रो IUM सेमदि नेगेटिव लिगांड रो कोन लागिवो ओ क्लियर लिखो नेम ऑफ द नेगेटिव लिगांड्स एंड इन ओ फुल स्टॉप दियो तब लिखो If the name of the negative ligand end with ITE ATE IDE If the name of negative ligands end with ITE ATE or IDE लिख लो कमा दियो द फाइनल ई दैट मींस द लास्ट ई द फाइनल ई इज रिप्लेस्ड बाय ओ तो ईडा हटी ता जगह कोन बसिबो ओ बसिबो जेतु को नेगेटिव लिगांड लास्ट ओ रहिबो तो ए जते देखो तीनटा को समस्त कर ई ई ई कटी ता जगह कोन ओ ओ ओ बसिबो लास्ट तो लिख लो कौन द फाइनल ई रिप्लेस्ड बाय ओ गिविंग तो तोर ई रा रिप्लेस हला ता जगह ओ बसिबो तो तोर आसीबो कौन आईटी थिला कौन आसीबो आईटीओ सेई भलिया एटीई थिला आसीबो कौन एटीओ ई हटला ओ बसला सेई भला तोर थिला कौन आईडीई ई हटी तमरो ओ बसला आईडीओ क्लियर मन कर अच्छी तुम्हारे गोटे नेगेटिव लिगांड नाइट्राइट अच्छी गोटे नेगेटिव लिगांड कौन नाइट्राइट अच्छी तो नाइट्राइट रईटा हटिकी ता जगह ओ बस तो नाइट्राइट थी हम कौन नाइट्रिटो मन कर गोटे अच्छी सल्फेट अच्छी गोटे नेगेटिव लिगांड कौन एसओ टू माइनसटा कौन नेगेटिव लिगांड मन अच्छी ताना कौन सल्फेट तो सल्फेट रई हटिकी ओ बस तो कौन हम सल्फेटो क्लियर मन कर अच्छी हाइड्राइड मान कौन एच माइनस आयन नेगेटिव लिगांड तो हाइड्राइड रो ई हटी ओ बसिबो तो हाइड्रिडो सेमि क्लोराइड क्लोरिडो क्लियर तो से कोन कहला नेगेटिव लिगांड रो नाडा कुड एंड हबो ओ रे एंड हबो जदी आईटी एटी आईडी अछि ईडा हटी ता जगह रे ओ बसिबो
क्लियर। तापर देख नेक्स्ट थर्ड बिट लिख न्यूट्रल लिगेंड्स आर नेम्ड एज द न्यूट्रल लिगेंड्स आर नेम्ड एज द मॉलिक्यूल। तो न्यूट्रल लिगेंड केस रे कोन हबो तो ए मॉलिक्यूल ना जहा थिबो सेटा लिखिबो। क्लियर द न्यूट्रल लिगेंड्स आर नेम्ड एज द मॉलिक्यूल फुल स्टॉप लिखो। दस वाटर इज नेम्ड एज दस वाटर ब्रैकेट लिखियो H2O इज नेम्ड एज जदि तुम कॉम्प्लेक्स रे लिगेंड रहौजी कोन वाटर H2O जदि रहौजी तो एडा वाटर रखो न्यूट्रल लिगेंड तो ई आगे से लिखियो कोन एक्वा लिखियो कोन इज नेम्ड एज एक्वा। क्लियर तो वाटर ना कोन एक्वा लिखियो। तो एमती के पांचटा ना छा ना अच्छी मन रखियो या पर आम पढ़ा जदि तुम लिगेंड अच्छे आमोनिया जदि आमोनिया लिगेंड अच्छे आमोनिया कौन NH3 ए टाइप रि लिगेंड अच्छी आम आमोनिया न लिखी कौन लिखा इज नेम्ड एज आमीन AMMINE। क्लियर जदि तुम न्यूट्रल लिगेंड अच्छी तार यार नाटा लिख। क्लियर तो न्यूट्रल लिगेंड केस रे आम डिटेल रे पढ़िया तो लिख ल कमा देखिए लिख आमोनिया इज नेम्ड एज आमीन तापर लास्ट बिट देख लास्ट बिट लिख ऑर्गेनिक लिगेंड्स आर नेम्ड एज दे आर कॉमन नेम। तो मन कर गोटे ऑर्गेनिक लिगेंड अच्छी तार कॉमन नेम जहाँ सेटा लिखियो। क्लियर फॉर एग्जांपल जदि गोटे कॉम्प्लेक्स रे CH3 लिगेंड रहिला तो स्थाना को लिखियो यार कॉमन नेम कौन मिथाइल तो लिखियो CH3 जगह रे CH3 एज मिथाइल कमा दबो जदि C2H5 रहिला C2H5 एज इथाइल। सही भाया जदि C6H5 रहिला दिस इज योर फिनाइल तो ऑर्गेनिक यार कॉमन नेम कौन फिनाइल तो ये गैस कौन रहिबो ऑर्गेनिक लिगेंड रो ना सेम रहिबो फिनाइल C6H5 एज फिनाइल। तापर C5H5N जदि रहिला C6H5N जदि रहिला दिस इज योर यार कॉमन नेम कौन पिरिडिन तो या कैसे लिखो C5H5N एज पिरिडिन। दिज आर द ऑर्गेनिक लिगेंड तो ऑर्गेनिक रे जहाँ ताना थिला ए केस रे भी ताना सेम रहिबो। क्लियर तो नेक्स्ट वीडियो रे हम डिस्कस करिया पॉजिटिव लिगेंड रो चार्ज केते नेगेटिव लिगेंड रो चार्ज केते हमर कोन विभिन्न प्रकार पॉजिटिव लिगेंड नेगेटिव लिगेंड अछन्ते। क्लियर कार चार्ज +1 कार चार्ज -1 कार चार्ज -2 ए वाला लिगेंड अछि। क्लियर तो नेक्स्ट क्लास रे तार नेम पढ़िबा तार चार्ज पढ़िबा तार नेम कौन हम अकॉर्डिंग टू आईपीएस सिस्टम से डिस्कस करिया। तो तुम आज जी पढ़ल नेमिंग तीन टा रूल पढ़ल तो फास्ट थी जदि आयोनिक कम्प्लेक्स अच्छे मैंने तुम काटायन फास्ट लिख आना लिख आना जो तुम न्यूट्रल कम्प्लेक्स तुम नन आयोनिक कम्प्लेक्स अच्छे से कैस काटायन आयन ना तो कैस टोटाल ना लिख। सेकेंड रूल कौन कही जदि गोटे कम्प्लेक्स कौन अच्छे सेंट्रल मेटाल आटम अच्छी लिगेंड रोजी तो फास्ट कौन करा लिगेंड अच्छी नंबर ऑफ लिगेंड नेम ऑफ लिगेंड सेंट्रल मेटाल आटम को जीव सेंट्रल मेटाल आटम साइड रे तार ऑक्सीडेशन स्टेट के लिख तो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिख तुम कौन रोमन न्यूमेरिकल्स अनुसार लिख तुम सेकेंड रूल गला थर्ड रूल केस कौन आसला तुम विभिन्न प्रकार लिगेंड अच्छी पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल ऑर्गेनिक लिगेंड तो पॉजिटिव लिगेंड गैस रे तारो नाटा कोडे एंड होजी सफिक्स IUM जमिति नाइट्रोनियम नाइट्रोसोनियम हाइड्रोजेनियम IUM रे एंड होजी। से बेला तमन नेगेटिव लिगेंड जो अछि नेगेटिव लिगेंड रो एंड हो कोडे ओ रे एंड हो लास्ट रे जत्ते नेगेटिव लिगेंड थिबो देखिबो समस्त को लास्ट रे ओ लगेबार अछि। तो आईटी थिले आईटीओ एटी थिले एटीओ आईडी थिले आईडीओ बसियो नेगेटिव लिगेंड सला। तापर तुम आसला कौन न्यूट्रल लिगेंड तो न्यूट्रल लिगेंड केस तुम कौन ताना आडर रहिबो मनकर वाटर अच्छी तार ना लिखियो कौन आक्वा आमोनिया अच्छी तार ना कौन लिखियो आमीन। तो ये पांच छटा अच्छे ये मन रखिबो। देख जो तुम ऑर्गेनिक लिगेंड अच्छी
तो ऑर्गेनिक रे जहां तार कॉमन नेम थिला एडे भी तार कॉमन नेम सेयर हो CH3 से मिथाइल CH2 मिथाइल CCH5 फिनाइल ए बडा लिखियो तो नेक्स्ट क्लास रे हमें टाइप्स ऑफ लिगंड तार चार्ज तार डोनर एटम तार नेम ऑफ लिगंड कोन अकॉर्डिंग टू आईपीएस सिस्टम कोन डाबा डिस्कस करिया थैंक यू